नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दो डोज के बाद भी कोरोना पॉजिटिव, ईसी पहुंचे टीएमसी, योगी लड़ेंगे चुनाव। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश भर में किए गए एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कोविड 19 रोधी टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। सामुदायिक सोशल मीडिया मंच लोकल सर्किल्स ने कहा है कि सर्वेक्षण में भारत के 381 जिलों में रहने वाले नागरिकों से 40,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं मिली। इनमें से 62% उत्तरदाता पुरुष थे, जबकि 38% उत्तरदाता महिलाएं थी। उसके राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार कोविशील्ड के पहली खुराक लेने के बाद 70% भारतीयों और कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने के बाद 64% लोगों में या तो कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आया, और यदि हुआ भी तो लोगों ने केवल हल्के में दुष्प्रभाव का अनुभव किया। इसी तरह कोविशील्ड की दूसरी खुराक लेने के बाद 75% और कोवैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद 78% लोगों में या तो कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ, और यदि हुआ भी हो तो उन्होंने केवल हल्के दुष्प्रभाव का अनुभव किया। दूसरी खबर, बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में काबिज हुई ममता बनर्जी के लिए कुर्सी की चिंता बरकरार है। यदि अगले 71 दिनों में वह विधायक नहीं बनी तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को एक बार फिर चुनाव आयोग जाकर अपील की कि राज्य में जल्द से जल्द उपचुनाव कराया जाए। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 5 नवंबर तक विधानसभा का सदस्य बनना होगा। टीएमसी नेता सौगत रॉय के नेतृत्व में टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल में चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर राज्य में जल्द उपचुनाव कराने की मांग की। टीएमसी इससे पहले भी 2 बार अर्जी दे चुकी है। तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब चंद महीने का वक्त बचा है। बीजेपी ने सूबे की सत्ता में बने रहने के लिए 2022 के चुनाव में 350 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। रणनीतियां बन रही हैं और सीआईसी समीकरण साधे जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतरकर आसपास की सीटों को सीआईसी तौर पर प्रभावित करने की रणनीति बनाई है। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। देश की राजनीति पर होगी आपकी मुझसे सीधी बात। देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ। हर गली की राजनीति पर होगी हमारी बात। आपके नगर सेवक से लेकर सांसद तक से होगी चर्चा, जिसमें विकासात्मक कार्य और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार दोनों पहलुओं पर होगी बात। मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। सरकार से सीधी बात दोपहर 2